तो क्लास टेंथ के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी, लो जी आज मैं आपको विज्ञान का सेट ए समझाऊंगा, सेट बी, जिस तरह संस्कृत का दोनों पेपरों से मिलकर आपका पेपर आया हुआ था, इसी तरह आपका यहां पर विज्ञान का पेपर भी बिल्कुल वो आने वाला है। ठीक है, मेहनत करिएगा, अच्छे से याद कर लेना। खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये है आपकी उष्माशोषी अभिक्रिया। यहां पर देखिए, आयरन फेरस ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम दोनों की आपने जब अभिक्रिया कराई, तो ध्यान से देखो यहां पर जो ये आयरन है ना, ये एल्यूमिनियम इसको हटा रहा है, ठीक है, और हटा रहा है, उसका स्थान ग्रहण कर रहा है। तो आपने पढ़ा होगा कि जब एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से अलग कर देता तो उसे कहते हैं विस्थापन। ठीक है, तो ये हो गया आपका विस्थापन अभिक्रिया। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे कहते हैं अभिकारक, और जो पदार्थ बनता है उसे कहा जाता है उत्पाद। तो यहां पर इसका अभिकारक एकदम राइट रहेगा। हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का जो ह्रास है, हाइड्रोजन का यदि हम योग करेंगे और ऑक्सीजन का ह्रास करेंगे तो ये किस तरह की अभिक्रिया है आपकी? तो ये है आपकी अपचयन अभिक्रिया। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाते समय किस पदार्थ का उपयोग करते हैं? ठीक है, तो देखिए टूटी हड्डियों को डॉक्टर जब जोड़ता है ना, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको चढ़ाता है, जो आपको पट्टा होता ना वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दही में क्या पाया जाता है? दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल भैया? लैक्टिक अम्ल। ध्यान से समझो आप, तो केक पाव रोटी में बनाने के लिए कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? देखिए बेकिंग जो सोडा है ना, बेकिंग सोडे का उपयोग किया जाता है केक बनाने में, पाव रोटी बनाने में, जो फुली हुई चीज है जिसे आप गांव की भाषा में मीठा सोडा के नाम से भी जानते हैं, उसी को कहते हैं। ठीक है, क्योंकि उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जब वो गर्म करते, तो उसमें देखिए आपने देखा होगा जिसे केक होता है वो फूल जाता, नहीं फूल जाता, इसलिए इस बेकिंग सोडे की वजह से फूलता है। कभी कभी हम घर पे दाल बाफले बनाते हैं ना, उसमें भी पटकते नहीं डाल देते हैं। ठीक है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से औषधि का उपयोग किया जाता है? तो देखिए एंटासिड का उपयोग किया जाता है। तो यहां तक आपका क्लियर है? ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण सूचना आपको देनी थी कि देखिए ये तो अभी प्रेमार्सी परीक्षा चल रही है इसलिए पेपर दे रहे हैं। ठीक है, आपको सबको पता हो, जो पुराने बच्चे हैं उनको, कि इस चैनल पर आपको क्लास टेंथ बिल्कुल एकदम फ्री, कुछ आपको नोट्स के एक रुपया नहीं देना है, बिल्कुल निःशुल्क आपको व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर दीजिएगा, पूरे नोट्स भी मिलेंगे और पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों को वास्तव में बाद में पढ़ना है आप बिल्कुल व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना क्लास, और अभी जो हाल फिलहाल है हम आपका कॉल का जवाब नहीं दे पाएंगे ना ही व्हाट्सएप पर, क्योंकि आप सभी का प्यार इतना ज्यादा है, 40 से 50 हजार बच्चे डेली व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं, तो इतना सारा अभी कवर हो पाना संभव नहीं है। बाद में अपन जो पेपर निकल जाए उसके बाद में आपको स्वयं को कॉल लगा दिया जाएगा। ठीक है, यहां से देखिए, मानव के शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए वर्णक उत्तरदायी जो वर्णक है वो हीमोग्लोबिन, और पादपों में जल का संवहन कौन करता है? तो जासेजाइलम और जासेजल। ठीक है, तीसरा आप ढूंढ लेना। अग्नाशय में से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकर का नाम है ट्रिप्सिन। ठीक है, और मनुष्य में जो प्रतिवर्ती क्रिया है ना उसको नियंत्रित कौन करता है? तो देखिए भैया ये मस्तिष्क नहीं करता इसका काम। ठीक है, ये कौन करता है? मेरुरज्जु, जो हम रीढ़ की हड्डी कहते ना वो, तो यहां पर मेरुरज्जु आ जाएगा। मनुष्य में सोचने का जो काम करता है वो आएगा आपका प्रामस्तिष्क। ठीक है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को अपन कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स। अच्छे से कंप्लीट करना यही प्रश्न आपके, ठीक है, आपको सुबह देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, चांदी के आभूषण पर काली परत किसकी होती है? सिल्वर सल्फाइड की होती है। सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, अब यहां पर देखिए हम स्प्रिंट है, ये है आपका CaOCl2 का जो प्रचलित नाम है वो नाम है आपका विरंजक चूर्ण। किस धमनी में विआक्सीकृत रुधिर का प्रवाहित होता है? महाधमनी में। तो ये आपका तीसरा नंबर का है, चौथा जो है उसको देखिए, मानव उत्सर्जन तंत्र की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है।
किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है? तो यहां पर मैं लिख देता हूं आपका पांचवा, तो ये है पांचवा है आपका इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन्स। एक आपतित किरण एक समतल दर्पण 30 डिग्री का आपतन कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? देखिए हम जानते हैं कि आपतन कोण का जो मान है वो परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा, तो भैया जब इसका 30 है तो ये भी 30 डिग्री बनेगा। प्रिज्म के दो फलकों के बीच का कोण प्रिज्म कोण कहलाता है। चलिए अब है जोड़ी मानव नेत्र, ठीक है, मानव नेत्र का यहां से देखना है आपको धुंधला दिखाई देता है, ठीक है, नेत्र रोग, सॉरी, ठीक है, नेत्र रोग कब होता है? जब धुंधला दिखाई देता है। टिंडल प्रभाव, घना जब जंगल रहता है उसके वितान में सूर्य के प्रकाश का गुजरना। अभी एग्जाम्पल के द्वारा समझो तो आपने देखा होगा कि जो अपन बहुत सारे पेड़ रहते हैं ना उसमें से सूर्य का जो प्रकाश है वो नीचे पूरा नहीं आ पाता है, तो जहां थोड़ी थोड़ी गेप होती ना तो उसमें से वो अपन जिसको गांव की भाषा में कहते हैं तीतरा, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं किरण, ठीक है, थोड़ा बहुत जो प्रकाश उससे गुजरेगा, थोड़ा बहुत जो प्रकाशी किरण की जो हमको नजर आएगी वही क्या है आपका प्रकाश का विवर्तन कहते हैं उसे, इसके टिंडल प्रभाव कहा जाता है। आकाश का जो नीला होना है, आकाश का नीला होना ये एक वायुमंडलीय अपवर्तन के उदाहरण है। तारों का टिमटिमाना, ठीक है, तारों का टिमटिमाना, सॉरी, ये आकाश का जो नीला है ना ये प्रकीर्णन है, ये प्रकीर्णन हो गया तीसरा, यहां पर है ये आपका तीसरा, ठीक है, और तारों का टिमटिमाना ये आपका वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का जो उदाहरण है वो है इंद्रधनुष। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का आपका यहां पर देखिए इसका आठ जोड़ी में है, तो ये बीच में से मोटा किनारों पर से पतला। एक सरल रेखी जो पथ है उसको कहते हैं प्रकाश की किरण। देखिए आठवां जो है डायोप्टर, और डायोप्टर का क्या है? लेंस की क्षमता, ठीक है, बढ़िया से कंप्लीट आप कर लेना। चलिए श्वसन को उष्मा छेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है, ठीक है, और जो एटीपी के रूप में संचित रहती है, ठीक है, तो यहां पर देखिए उष्मा का उत्सर्जन होगा और इसलिए उष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान ये कि गैसों का उसमें उत्सर्जन होगा, तापमान में परिवर्तन होगा। खाद्य पदार्थों में विकृत गंधिता से बचने के दो उपाय, नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करके और आक्सीकारक का उपयोग करके प्रतिकाक्सीकारक। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला याद रखने की ट्रिक, कसोनट कूड़ दो पानी, ठीक है, कसो नट, नट कितने कूड़ने हैं पटकने हैं चार, तो कसो और नट कस दो, कितने चार कर दिए, आधा लीटर पानी उसमें मोबाइल के ऊपर फेंक दो, ठीक है, तो ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला हो गया। बुझा हुआ चूना CaOH ट्वाइस, वाशिंग सोडा के दो औद्योगिक अनुप्रयोग, अम्ल और क्षार में दो अंतर। ये सारे जो क्वेश्चन है बाकी आपको पूरे क्वेश्चन एनसीईआरटी कोचिंग पर मिलने वाले हैं। अब इनका सॉल्यूशन के लिए क्या करना है, केवल और केवल आपको ऐसा बोल देना अम्ल और क्षार में अंतर और आगे लिख देना एनसीईआरटी कोचिंग, ठीक है। बहुत सारे दूसरे के भी वीडियो मिलेंगे, उनसे भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप यदि सरल उत्तर जानना चाहते हैं जैसे ये सरल यहाँ पर लिखा, सबसे इसे सिंपल सिंपल उत्तर जो आपको अभी याद हो जाए तुरंत देखते से ही, तो इसे उत्तर आपको केवल एनसीईआरटी कोचिंग पर ही मिलेंगे, ठीक है। अब दूसरे टीचरों की बुराई नहीं कर रहा हूं, यहाँ पर वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मेरे से कई गुना अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, वहां से भी आप देख सकते हैं, नहीं तो जो प्रश्न आपको देखना है उसके आगे आप एनसीईआरटी कोचिंग बोल देना और आ जाएगा। रक्त और लसिका में दो अंतर बताइए, रुधिर के दो कार्य है, आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करने के लिए सलाह क्यों दी जाती है, मनुष्य के पाचन के उपरांत अवशोषण की क्रिया किस भाग में पूर्ण होती है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर आपका ये 12 है। अब सारी लेंस के दो गुण, अभी सारी लेंस के यहां से देखिए तारे क्यों टिमटिमाते परंतु ग्रहणे नहीं, अपवर्तनांक किसे कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, भौतिक परिवर्तन, ठीक है, यहां से क्वेश्चन नंबर आपका ये 17 हो गया, ये 18 हो गया है, ये 19, ये आपका 20। बढ़िया से आप मेहनत कर लो, अच्छे से तैयारी कर लो, 100%।